नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर की। जोधपुर में घूमने के लिए अनेक ऐसे स्थान हैं जो शहर के शाही इतिहास और संस्कृति में डूबे हैं। जोधपुर नीले रंग में रंगे मकानों से भरा पड़ा है। मध्यकालीन इमारतें और इनके बीच से निकलती घुमावदार गलियां जोधपुर के मस्तक पर विराजमान मेहरानगढ़ के किले के तल पर बसी हैं। भव्य महलों से लेकर मध्यकालीन किलों तक जोधपुर के शाही अतीत के बारे में जानने के इच्छुक लोगों को इन स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। नंबर वन पर आता है जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला। विशाल परिसर, दीवारों पर जटिल नक्काशी, बलुआ पत्थर के बने शाही हॉल और बंदर से राष्ट्रीय सजावट मेहरानगढ़ के किले को देश के सबसे बेहतरीन किला बनाती है। किला चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से आप पूरा खूबसूरत शहर देख सकते हैं। किले में मौजूद संग्रहालय आपको शानदार अतीत की कहानी बताएगा। संग्रहालय में शाही पालकी, तलवारें, चित्र और पुराने संगीत वाद्य यंत्र प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं। यहां आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा और सुखद रहता है। नंबर टू पर आता है जोधपुर का जसवंत थाड़ा। पूरी तरह से सफेद दूधिया पत्थर से बने जसवंत थाड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नक्काशीदार बुर्ज और सुंदर गुंबद दिन भर सूरज की रोशनी की तरह चमकते रहते हैं। मेहरानगढ़ किले के बाई ओर बनी इस इमारत का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में किया गया था। इस शाही समाधि में राठौर वंश से जुड़े प्रभावशाली चित्रों और शानदार कलाकृतियों का संग्रह भी है। इतिहास पसंद करने वाले लोगों को जोधपुर शहर में इस स्थान को जरूर देखना चाहिए। नंबर थ्री पर आता है भोपाल का मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन एक धरोहर स्थल है जो ऐतिहासिक होने के साथ शहर की प्राकृतिक खूबसूरती को बढ़ाता है। इस गार्डन को 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। जोधपुर से पहले मंडोर मारवाड़ की राजधानी थी। मंडोर गार्डन जोधपुर से उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक सरकारी संग्रहालय और मंदिर है। पत्थर की बनी छत के कारण वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना लोगों को आकर्षित करता है। इसके साथ ही जोधपुर के शासकों के गहरे लाल रंग की छतरियां और शानदार ग्रीन गार्डन भी है। इसमें पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं। नंबर फोर पर आता है जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर शहर में ऊंचाई पर स्थित उम्मेद भवन पैलेस कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ अभी भी शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ एक होटल भी है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। उस समय इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था। आम लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसके आसपास 26 एकड़ का खूबसूरत बगीचा भी है। नंबर 5 पर आता है जोधपुर का शीश महल। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में शीश महल, जिसे जोधपुर के गिलास पैलेस के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे छत से फर्श तक डिजाइनर शीशे से सजाया गया है। इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच महाराजा अजीत सिंह का शयन कक्ष भी कहा जाता है। छत पर लटके नीले, हरे, चांदी, सोने के आभूषणों के साथ साथ भव्य यूरोपीय झूमर बाद में इस हॉल में जोड़े गए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जोधपुर की यात्रा काफी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और नई जगह पर।